ये कहानी चेन्नई के 5 लड़कों की है। आप इन्हें चेन्नई के किसी भी नुक्कड़ पर, किसी भी बस स्टैंड पर, खासकर गर्ल्स कॉलेज या शॉपिंग मॉल के बाहर जरूर देख सकते हैं। हाथ में दिल, दिल में है प्यार, बन जा गर्लफ्रेंड हे यार। कितने फूल और खुशबू हजार, एक कली हो मेरी यार। थोड़ा शर्माए हो लेकिन पास आए तो खुद को ना रोक सके, ना रोके वो मुझे। क्या वो गर्लफ्रेंड तू तो नहीं, बोलना सच्ची तू तो नहीं, जिसके सेलफोन पर हो ट्यून मेरा, जिसकी रातों में हो मून मेरा। क्या हो रूठे जो वो तो हम मनाए, बूढ़ा हो वो जान जाए, कहे वो बेबी व्हाई डोंट यू शेयर विद मी। हम जो साथ जाए बाहर बिना देखे ही आए, पूछे वो मेरी पिक्चर कैसी थी। सेलफोन बिल लाए दो हमको लाए तीन हो, SMS कितने कितने कॉल थे यार। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है जरा बता सकती है? वहाँ मुन्ना नाम का एक स्मार्ट डूड रहता है, जानती है? नहीं जानती। तो जान लीजिए, वो मैं ही हूँ। हाँ? वो मेरा ही घर है। शाम ढले साथ मेरे, वॉक करे वो कौन है, रात से लेके सुबह तक टॉक करे वो कौन है। क्या वो गर्लफ्रेंड तू तो नहीं, सच्ची बच्ची तू तो नहीं, जिसका कॉलर ट्यून हो ट्यून मेरा, जिसका स्टार हो मैं वो मून मेरा। बोला गर्लफ्रेंड हर बात पे वो हंस के कह दे, तू साथ है तो मुझको परवाह क्या। All day मुझे वो याद आए, जाऊं जहां वो साथ जाए, लाइफ में हमें फिर और मांगता क्या। सूरज से ब्राइट हो सिर्फों में नाइट हो, हर सुबह लगे नहीं एवरी डे राइट हो, जिसके सेलफोन पर हो क्यों न मेरा, जिसकी रातों में। क्या वो गर्लफ्रेंड तू तो नहीं, बोलना सच्ची तू तो नहीं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इन पांचों के लिए जिंदगी में तीन ही चीजें जरूरी हैं। लड़कियां, ब्यूटी, गर्ल्स। इनसे मिलिए, ये हैं हरनी, पंजाब की वो सुनामी जो इन पांचों की जिंदगी में आई। इनके पिता चंद्रशेखर पुरी, माता ममा, और खुद हरविंदर कौर उर्फ चेन्नई की हरनी। एक्सक्यूज मी, आप अनीता की सिस्टर है ना? अनीता पटाने की कोशिश कर रहा है। या मैं तरुण। अनीता ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, मगर आप इतनी सुंदर होंगी कभी सोचा भी नहीं था। कॉफी पियेंगे? Why not? Girls coffee? Yeah.
Yes, we do. Okay. Please, it's my party. Thanks. Excuse me, 1 minute, please. Excuse me. Yes. वो 500 रुपए कम है. क्रेडिट कार्ड लाना भूल गया. Okay. एक कॉल कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिए. Thanks. ये वॉच हमारे पास छोड़ जाइए. हाँ. वॉच. Thank you. Bye bye. Bye. Anita से जरूर कहूँगी. What a great guy Tarun is. Tarun, time क्या हुआ? Yes, shit. वो तुझे नहीं छोड़ेगा. वो फेंक रहा था तो मैंने भी वही किया. Be careful, हाँ? ऐसे लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए. क्या कर लेगा? देख लूंगी. Where you're from, I don't care what you did. As long as you love me, as you love who you are. Where you're from, I don't care what you did. देखो उन लोगों को कैसे लार टपका रहे हैं. कपड़े ऊपर उठा लो यार, कहीं भीग न जाए. ये तो कल्टी हो लिया. सुनिए, ये मेरी साइकिल है. अरे मैं भी आऊंगा. ए बिगाड़ मत. अरे वो आपको लाइन मार रहा है. उसकी शादी हो गई है. ए मुन्ना, मेरा टी शर्ट वापस करके जा रहे. मुन्ना ऐसा लगता है किसी सर्कस से ट्रेनिंग ली है. तेरे तो मजा आएगा. ए देख देख. तेरे पाँव में गिर गया. किसे आशीर्वाद लिया? देखा, पहले प्रदीप सुना की फिर आशीर्वाद लिया. एक साइकिल पे गया था, दो साइकिल लेके आया. वो मुझे देख के हंसी यार. हाँ भाई, पूरा एरिया हंसने लगा. ए थोड़ा और डालना. तू तो थोड़े स्प्रे से ही फ्लैट हो जाएगा. तुझे तो सूंघने से ही उल्टी हो जाएगी. ये बिल्कुल नहीं चढ़ेगी यार. तू स्पॉन्सर कर ले. ये पर्सी ने निकालता है रे. ए चुप रहे रे फोकटलाल. ए सब्र करना, कोई ना कोई आइटम तो आएगा ही, शीशे में उतार लेंगे. Cheers for मुन्ना घुटने की चोट. एक एक बूंद करके पियो यार, जल्दी खत्म हो जाएगा. ये टाटा सुमो, जरा साइड में लग जा. मुझको देखकर क्या हंसी थी वो मालूम है? मेरी जान अभी मुझे याद कर रही होगी. ये देखो, इधर एक आदमी स्लो मोशन में सपने देख रहा है. ए, ट्रीट दे दी तो उतनी जान हो गई. हाँ. जब तक उसे कोई पता ना ले वो सबकी है. हम में से कौन है रे स्मार्ट? मी है. तुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, कसम से तुझसे नहीं पटेगी. तू भी तो नौका आकड़ा है, तुझसे पटेगी क्या? ए, पिटने वाले हो तुम सब. तुम जैसे सबको देखते हो वैसे इसको देख रहे हो. मैं सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ. ये देखो. मैं जा रहा हूँ. हे जास्ती भाव मत का, ये ना मुन्ना एक एक करके अपना टैलेंट दिखाएंगे, जो पटा ले उसकी बाकी सब हट जाएंगे. ओके ओके बिडू, और डाल. हैं तो क्या मुंह दूं? खाली है यार. ए मुन्ना इसको खाली करते. हेलो सर, आई एम मुन्ना. ना मुन्ना. सो व्हाट सर, ये शर्ट कहाँ से लिया? पास के घर से चुराया है, दिखता नहीं है. एलन सोली, 1400 bucks. सुपर है सर. थैंक्स. मैच बॉक्स प्लीज. थैंक यू सर. सिगरेट ले सकता हूँ? सिर्फ दम मारने की आदत तुम्हारी है, बाकी सब फोकट का. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सर. सडनली सीरियस भी हो सकता हूँ. ये चिली चिकन है क्या? पता नहीं. एक पीस उधार दे दो ना सर, मेरा आते ही वापस दे दूंगा. तेरे लिए पूरा एक पीस जैसा ही है, चख ले. सर दारू पीते हैं फिर भी आपकी टोन नहीं है. मैं बियर नहीं पीता, ओनली हॉट. इसलिए क्या कर रहे हैं सर? ये गैस और दूसरी बीमारियों को निकाल देता है, आंतों को तकलीफ नहीं देता और सुबह खुल के होती है. लगता है जिंदगी में बहुत मार खाई है आपने. बहुत सारी बातों की जानकारी है आपको. तुम सब एक ही लड़की लाइन मार रहे हो. ग्रेट सर,
आपको कैसे पता चला? एक स्मॉल पे गया सर। हाँ हाँ, एक हाफ बोतल अंडा चिकन लेके आओ। अरे आप, ये पहुंचा हुआ सीकेएम के यार। ये सीकेएम के क्या है? एम के मतलब मौज करो, सीके मतलब सी मतलब डैश, के मतलब काटो, डैश काटो मौज करो। हाँ, हम लोग सी बी एम के बोलते हैं। सी मतलब वही, बी मतलब बनाओ। ये पांचों लोग एक ही लड़की को लाइन मार रहे हो? हाँ सर, ग्रुप में गए तो काम नहीं बनेगा, अलग अलग अप्रोच करना चाहिए। दिल से, प्यार से, सॉफ्टली, आंखों ही आंखों में बात करके। हे बेडू, कल से शुरू करेंगे, अलग अलग ट्राई करेंगे। ब्रदर्स, ये जो लव है ना। अरे भाषण शुरू हो गया यार, निकलते हैं। मंगल सर, नाइस मीटिंग यू सर, नेक्स्ट टाइम। क्या रे, क्या मुझसे फोकट में खा पी के जैसे ही मैंने फील करके बोलना शुरू किया स्केप करके भागना चाह रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे चुपचाप पकने दो, वरना फोकट में जो खाया पिया वो सब उल्टी करके जाओ। बकिए सर के लिए एक हाफ लाओ। ये बिल्डिंग तो जानी पहचानी लगती है। आपका ही बिल्डिंग है सर? मैंने देखी है कहीं। अरे ऑटो फ्री कर दो भाई। इतना अच्छा ऑटो मुफ्त में कैसे दे सकता है? सॉरी, आपका पर्स। तुम 10 लोग हमें बहुत पसंद आए। ये लो मेरा कार्ड, तुम लोगों कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कभी मत करना, मैं आऊंगा। ए, 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 वो लड़की, चल बोलना नहीं। ओके सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। थैंक यू मंगल सर, बाय मंगल सर। ए, हाथ वाथ मत रख, सब लोग अलग अलग रहेंगे। May I know your name, please? Come on. Excuse me. May I know your time, please? Better luck next time. Shit. Whoa, whoa. Yeah. Paper padhte ho? इंडिया ओन दैट सिविलाइजेशन, उसमें ऐसा कहा है कि हमारे कल्चर की नींव में कुछ गड़बड़ है। समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद आवर इथोस। हां, तुमने फिल कॉलिंस को सुना है? क्या लिरिक्स है, वाह। एटलीस्ट कुरुसवा गुडार्ड की मूवीज तो देखी होंगी। मैंने आखिरी इंग्लिश पिक्चर देखी वो शोले है। व्हाट इज दिस? एक्सक्यूज मी, ये बस अलीबाग जाएगी? आप चढ़ेंगे तो कोई भी बस जाएगी। वहाँ खुजली हो रही है। तो मुझ पे गिरकर क्यों को जा रहे हो? कंडक्टर, इनको जरा खम्बे के पास ले जाओ। एक्सक्यूज मी, आप ऐश्वर्या राय हो ना? क्या पूछा? ऐश्वर्या राय सोच के। क्यों, मुझसे बात करनी है? तो फूटो। ठीक है। ऐसे क्यों है आप? पार्टन, मेरी नजरों के सामने क्यों आती हो? तुम्हें पाने की इच्छा तो है, जानता हूँ मुमकिन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आइडिया तो दो। चुना है मुझे। कहाँ? यहाँ। कहाँ है? चू, चू मुझे। हाथ लगा, लगा हाथ कमीने। मुन्ना, हम जाके परसों लौटेंगे। थर्मोस में चाय बना के रखी है। ग्रुप स्टडी करके सेहत खराब मत करना। 1 बजे सोकर 6 बजे उठ के पढ़ाई करना। मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। ये पढ़ने वाला है, मुझे भरोसा नहीं। ये मेरे मम्मी पापा गांव चले गए। ये प्रकाश फौरन बीए ले गया, तेल की खाओ को किंगफिशर से भर देंगे। ए, किंग किस लिए बे? असली क्वीन को बुला ले तो। माल, उस दिन मंगल सर से फोन नंबर लिए थे ना, फोन करके रैपचे का आइटम मंगवा ले तो। नहीं यार, गलत है यार। ये ले मेरा,
मेरा भी। साले तू भी? मेरे पास 50 है यार। ए, मेरे घर वालों को पता चला तो मार डालेंगे यार। वो हम लोग संभाल लेंगे, जगह तेरी है, तू पैसा मत देना, ओके? साहब, साहब। कौन है? आइए मामा जी, गांव से कभी आए? बताया भी नहीं, अब पी गए मम्मी और डैडी। ए चिकू चिकू, अरे बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर बात करते हैं। आइए आइए। पार्टी कौन है? ये लोग। रेट के बारे में पूछेगी तो बताना मत। ओके अंकल। क्या कृष्णा वो अभी गैस छोड़ रहा है? ए आला आला आ रहा है। कैसी सुपर, क्या कंपनी दी उसने मालूम है? छक्का आइटम है। ये क्या है? मेरे बच्चे का डायपर। वो आपका बच्चा था? हाँ क्यों? सिर्फ कुंवारी छोकरी चाहिए थी। सॉरी जी। तंग रहेगा यार, छोड़ ही नहीं रही थी। क्या बॉडी है तेरी, जब भी बुलाओगे फ्री में आऊंगी, पोली चाहे तो मैं ही पैसा दूंगी। पुलिस? वो गोरखा है बाबा। मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम है। इससे बढ़कर क्या जरूरी काम है? बस पास रिन्यू करना है। क्यों रे, खलास हो गया? छोटा बच्चा समझ के भाव नहीं दे रही थी। सलापुन ने भी छोटी मिर्ची बड़ी तीखी होती है दिखा दिया, पर आवाज तो कुछ नहीं आई, बेहोशी में बोलती बंद हो गई। चला जा, देर हो रही है। नहीं जी। क्यों? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मेरी एक मदद करेंगी? क्या? जल्दी बाहर गया तो दोस्त खिल्ली उड़ाएंगे। तुमसे शादी करने वाली भाग्यवान होगी। थैंक यू जी। मुन्ना ग्रेट यार, कितनी बार हैट्रिक। मुन्ना सचमुच पन कसा, वो परेशान हो गई? मेरे से शादी करने वाली भाग्यवान होगी बोली। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? एक बज चुके। कुछ भी तो नहीं किया तो मैं क्या करूं? तुम पैसा ले चुकी हो। उतने में चार लोग बहुत हैं। ग्रेस टाइम नहीं दोगी? तो 500 रुपए दो। 5 रुपए ही हैं। तू ही रख ले। प्लीज प्लीज, ये 5 रुपया लेके 5 मिनट बैठकर फिर जाइए, नहीं तो मुझे छोटे बच्चों की लिस्ट में डाल देंगे। क्या हुआ रे, घबरा गई यार? बस बस करके गिड़गिड़ाई। मैंने भी उसे जाने दिया, फौरन भाग गई। भेड़ू झंडा गाड़ दिया। चल सिगरेट निकाल। दोस्तों आज से हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हम सब आदमी बन गए। How about a date? Date? Nothing doing. Hey, क्या मजाक है? उस दिन तो खूब दोस्ती दिखाई, डेट पूछो तो ना है। मैं गधा हूँ ऐसा मेरे माथे पे लिखा है। हेलो, उस दिन तूने ही शुरू किया, तूने नाटक किया, मैंने भी नाटक किया, दैट्स ऑल। तो फिर वो 3000 रुपए? हाथ मिलाया ना, हिसाब बराबर। बराबर कैसे हुआ? हाथ मिलाने का 50 रुपया, बाकी का यूट्यूब नाटक कर दिए। ऐसे छोड़ दूंगा तुझे मैं, बाकी 2950 रुपए लिए बिना छोड़ूंगा नहीं तुझे। का जा रही, रुक। Excuse me. कौन मैं? वो लड़का बुरी तरह से पेश आ रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, वी विल टेक केयर। हे
कौन है तू? कौन सी एरिया का है? हमारी एरिया की लड़की को छेड़ता है? ए, तू कौन है बे? ये मेरा और उसका मामला है, तो बीच में मत आ। ए, हमारी एरिया की लड़की को छेड़ के और बोलता है बीच में मत आ, जा यहाँ से। तेरी ए शाने, बाद में पछताएगा। ए, अगर इसको दिखा दे, अरे ले ले इसको। अरे देख के रहो, आओ मारो साले को। देख लूंगा साले। अब जो भी हेल्प चाहिए मुझे बोली। हम लोग हमेशा इसी दीवार पर बैठे रहते हैं। थैंक्स अ लॉट। खाली थैंक्स ही दोगी? फिर ट्रीट। ओके। विश्वास नहीं होता, आप हमारे बाजू में बैठी है। थोड़ा छूके देख लो सच है कि नहीं। ए, हाथ देखे। धन की रेखा और विद्या की रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टरेट भी मिल सकती है, ऑल इंडिया लेवल पे मशहूर होगी। लाइफलाइन हार्टलाइन का अलग होना बहुत रेयर बात है। आपकी लव मैरिज होगी। बहुत फिल्म दिखाई तो ऐसा ही होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? आपके लिए मैंने एक ड्रेस डिजाइन की है, दिखाओ। इस तरह की स्टाइलिश ड्रेस पहन के अगर तुम रैंप पे वॉक करोगी ना, तो तुम मिस मुंबई, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भी बन सकती हो। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। करेक्ट है, ये फैशन शो, मिस वर्ल्ड सारे डैश डैश दिखाने के लिए होते हैं। डैश यानी? डैश मंजे, डैश ही है। आप चुप क्यों है? साइलेंसर लगा रहा है। What? ए, चुप रहे। I'm sorry, कविता लिख रहा था। क्या मैं देख सकती? छोड़ो, अच्छी नहीं होगी। Why not? समोसा, नूडल्स, आइसक्रीम, कॉफी, बेल, मिसल, वड़ा पाव, ये कविता है क्या? ये क्या मेनू लिखा है आपने? जरा पीछे देख लीजिए। अच्छी नहीं है। बोर। इट्स ओके। खैर इसे छोड़िए, एक जोक सुनाता हूँ। एक हाथी लड़की देखने गया, मिठाई विठाई खा के लड़की पसंद नहीं बोल दिया। किस लिए? किस कान बड़े थे? जी नहीं, आंखें छोटी थी। तो फिर आते समय उस हाथी ने रेस्टोरेंट में हरनी नाम की एक लड़की को देख लिया। उसे देखने के बाद उसे और कोई लड़की पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आया? तुम लोगों की बातों से एक बात समझ में आती है। All of you are trying to propose to me. ये प्यार, इश्क, विश, ये सब नहीं चाहिए। It's a big pain, you know. क्यों प्यार करना, आहे भरना, ध्यान बटेगा, पढ़ाई खराब होगी, जरूरी है क्या? Let us be good friends. अगर प्यार ही करना है तो मैं तैयार नहीं। तुम सब चुप क्यों हो गए? ए मोटू, क्या हुआ? Go, Arnie. तो हम यही कट करते? No, please, please, please. Okay, on one condition. अपने फ्रेंड्स से हम सबको मिलवाओ। क्यों? उनको भी पटाना है क्या? तो क्या राखी बनवाएंगे उनसे? मुझे मैडम समझा है क्या? नहीं होगा मुझसे। फ्रेंडशिप के लिए इतना भी नहीं करोगी हरिनी? स्मार्टली फंसा रहे हो। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हैं। वो आसानी से पटने वाले नहीं है। बॉयज को भी तुम कम मत समझना। वो किसी लड़की को पटाने की सोच ले तो वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, 6 महीने में उसे झुका देंगे। क्यों बेटो? देखते हैं। कभी कलनून शो, चित्रा थिएटर। ओके, टिकट्स तुम लोगों पर। वैसे लड़कियां भी पर्स बाहर निकालती हैं क्या? वो है। ए मोटू, जाबे। चल यार। हाय हरनी। हाय। व्हाई आर यू सो लेट यार?
कैफे क्या? उस तरफ तो वही चलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठ, वो लोग आएंगे तो एक्सचेंज कर लेंगे। आप लोग बैठिए प्लीज। शी इज तेजू। आई एम जूजू। हाय, आई एम संपदा। आई एम प्रकाश। बाप क्या ले? अंकिता। हमारे एरिया का छोकरा तरुण अकेला मिला तो तुम पांचों ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। उस दिन उसको मार के हमको ठीक सजा मिली। मुन्ना कौन थे वो लोग? उस दिन तुम्हें जिसने छेड़ा था ना तरुण, उसके दोस्त थे। I'm very sorry। सिर्फ सॉरी बोलना काफी है क्या? फिर इस पिटाई की भी ट्रीट चाहिए? ट्रीट नहीं, डेट चाहिए। यू मीन डेटिंग? या इतनी मार खा के भी समझ नहीं आया अब तक? ये मार तुम्हारे लिए खाई अरनी। सेंटिमेंटल हमला कर रहे हो। व्हाट गर्ल्स? पुअर गाइस। एक चांस दे देते हैं। चलेंगे। लंच पे सब लोग सेंटर में मिलेंगे, ओके? ओके। कम ऑन शुरू पहले हर रात के उस तरह चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अ स्मॉल गिफ्ट। व्हाट इज दिस? नहीं मुन्ना, ये तुम ही रख लो। क्यों? कर्चिस लेने से दोस्ती कम हो जाती है। डोंट टेल मी It's not worth dying for. I can't help it. There's nothing I want more. You know so that sweet. It's true. You know it's not worth dying for. ये किस लिए? ये कमर को स्लिम रखने के लिए। ये? इम्प्रूव करने के लिए। गर्ल्स को जब फीलिंग्स ज्यादा हो तो वो क्या करती है? रोती है। नहीं वो फीलिंग्स नहीं, वो फीलिंग्स। मोटे मार खाएगा तू। मुसलमानों के लिए अल्लाह, ईसाइयों के लिए ईसु, हिंदुओं के लिए शिवजी, मेरे लिए तुम। एक शब्द में कविता कहूं हरनी, एक अक्षर में कविता कहूं वो तू है। बहुत अच्छी है। दिल में जो जज्बा है उसे वैसे ही लिख दिया। तुमसे प्यार करने वाली लड़की पड़ेगी वो बहुत खुश होगी। दिल में घुस आई एक लड़की।
You like to do, do it, let me win your heart. Let me never stop and let me start. All I wanna do is win your heart. All about you, and I really wanna know if you love me too. Will you let me know? Cause my heart is true, babe. When I see your face, I wanna be with you. कहने को जश्न बहारा है, पर फूल से खुशबू दूर भला. एक तरफ तेरे इश्क की छैया, दूजी तरफ दिल दूर चला. I really do care, and I will be there, and you can take me everywhere. Yeah. Stay with me, and I'll let you see. In my heart, you will be. Love की किसको फुर्सत है? Love की मंजिल गुरबत है. Love तो ठोकर है, किस्मत की love तो मारी है. कोई खाए पिए चाहिए तेरा नाम लेके, कोई जो हमेशा तेरे साथ रहे, कोई जोड़ा घड़ी जोड़ा सुबह शाम देके. Love is such a big mistake. Listen to me, boy, I know. No. Only friendship takes you higher every day as friends we grow. Grow करके हमको क्या करना? हमको इश्क में जीना मरना. तू भी थोड़ा जी ले मर ले, थोड़ा loving तू कर ले. लम्बी नींद उड़ जाती है, आंखें चुप खुल जाती है, हो जाती है थोड़ी देर, कर ले friendship काफी है. That thing you like to do, do it, let me win your heart. Let me never stop and let me start. All I wanna do is win your heart. I your love is full of pain, for our love is just a strain. I don't wanna love, I don't wanna love. Love is not a game, love is not a game. Do you wanna go? संपदा बैठ जा. प्रकाश मैं तुम्हारे बाइक पे चलती हूँ. थैंक गॉड इस विरार के डायनासोर से बच गई. सचमुच काटता है यार. हट. क्या हुआ तुम्हारे बीच में? हरिणी मुझे इग्नोर कर रही है. डू यू लव हर? सिंसियरली. उसे प्यार में इंटरेस्ट ही नहीं है. तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो ना. ट्राई करके देखती हूँ. या ऑफ कोर्स. हाय मुन्ना. हाय. ये नहीं सुधरने वाला. मुन्ना तुम्हारा लव वर्कआउट नहीं होगा, भूल जाओ. क्यों? तुम हिम्मत का कोई काम करके दिखाओगे तभी वो हाँ बोलेगी. क्या करना होगा? बताने में भी शर्म आती है. क्या है बोल भी दो. शाम को 6:30 बजे फुल ट्रैफिक में इनऑर्बिट मॉल के सिग्नल पे तुम्हें रोड क्रॉस करके दिखाना होगा. उफ, इतना ही है? न्यूड होके. क्या? यू मीन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होगा? यही तो वो देखना चाहती. तुम क्या कर सकते हो? हाउ क्रूल शी इज. नो नो शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल. मैं सचमुच उससे प्यार करता हूँ या सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ? उसका टेस्ट ले रही है. आई विल डू इट. तुम सचमुच नंगी तोड़ोगे मुन्ना? या आई विल प्रूव माय लव. मुन्ना मुझे लगता है वो तुझे बेवकूफ बना रही है. Don't fuss, just come. What is it going to be? I'm so sure you'll enjoy yourself. तू क्या बोल रहा था? वो देख.
फूल बनाना होता तो वो क्यों आती है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? एक सुपर्ब सीन देखने वाली हो, लुक ओवर देयर। मुन्ना, मैं बाइक ले जाकर ऑपोजिट साइड पे वेट करता हूँ, ओके? ऑल द बेस्ट मुन्ना। ए मुन्ना, देख। ए संपता, पागलों जैसी कोई शैतानी तो नहीं की है ना तूने? जस्ट व्हाट द फन। What nonsense! Oh my God! I can't believe it! Harini! I did it, Harini! I'll do anything for you! What the hell is this? Sorry, Harini. तुम ऐसा करोगी तो वो तुमसे प्यार करेगी। ऐसा मैंने मजाक किया था, पर वो वाकई में ऐसा कुछ करेगा। मैंने तुम्हारी क्या घास चढ़ने गई थी? इनोर पर क्रॉसिंग का क्रिकेट ग्राउंड है, नंगा होकर भागने के लिए? सॉरी सर, भूल हो गई। मुन्ना को कैसे भी बाहर ले आइए सर। संपत, अपना बच्चा है, कुछ भी बंदोबस्त करो, सिर्फ फाइन भरना हो मैं भर दूंगा। रिफंड कैसे? तुझे आधा पैकेट सिगरेट पिलाया ना? तो खुश हो ना अर्नी, मुन्ना को पुलिस पकड़ के ले गए, जानती हो? रात भर पुलिस ने उसे मारा, ₹1000 जुर्माना और एक दिन की जेल भी हुई उसे। जज के पूछने पर भी सच नहीं बोला, बोलता था तुम्हारी बदनामी होती, तुम्हारा फ्यूचर स्पॉइल होता ये सोचकर। अभी तो मान लो उसे तुमसे सच्चा प्यार है। यही सेल है। सॉरी मुन्ना, गॉड प्रॉमिस मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, संपता ने यूं ही मजाक में बोल दिया था। ठीक है अरनी, अब तुम सीरियसली बोलो, मैं क्या करूं? सच में
छोला छोला भड़के आतिशों से एक चिंगारी को चुराया काले काले बादल बारिशों से कुछ बूंदों को है बचाया आले 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 तुझे या खुद गाऊं देखूं तुझे या शर्माऊं जी लूं खुशी में या खुशी से मर जाऊं मैं कहीं ना इतने खुशी से डर जाऊं आले 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 कोई रात बजे सांसों में सुनना सांस बजे संग मेरा अंग अंग बजे मैं जो चलूं मेरे दंग बजे सुर कितने थे कि ना नहीं कोई सरगम तेरे बिना नहीं आले 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 होती जमीन फूल न खिलता एक कहीं तुम बन के खुशी न बरसते हम बारिश में भी तरसते थे आले 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 हंसना सिखाया तू नहीं वरना खुद पे ही हंसते थे डरना क्या जीने से इश्क के आईने से दिल ये चला सीने से जेरॉक्स निकलवाना है बाय द वे आई एम भाई इसी का तो जेरॉक्स निकालना है हाथ का हाँ भाई एक बार मालिक ने भी अपना मुंह मशीन के बीच में डाला था ठीक से छपा नहीं कौन है तुम्हारा मालिक मैं ही हूँ देख ये बिना कपड़ों के भागने वाला मेरा बेटा है इसको उकसा के पूरे मुंबई में हंसी का कारण किसने बनाया मालूम है आपकी बेटी ने व्हाट नॉनसेंस आपकी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है हेलो आप क्या नाम से ना बोले जा रहे हो आपकी बेटी जेल जाके इसके हाथ पे फरमान लिखाई है और इस पागल ने दो दिन से हाथ भी नहीं धोया इज इट ट्रू हरिणी यस हाउ डेयर यू छोड़ो बाद में बात करेंगे जब देखो छोटी दीवार पर बैठे रहना टांगे हिलाते हुए धुआं छोड़ते हुए सड़क पर आने जाने वाली लड़कियों को लाइन मारना अब तो ट्रीट के बहाने दारू पीना भी शुरू कर दिया है क्या रे शराब पीते फिर रहा नहीं मां
अरे बाबा, मेरा राशन का दुकान है, वो एक घंटे भी गल्ले पर नहीं बैठता, वैसे दिन भर छोटी दीवार पर बैठा रहेगा। याचे संगत कुछ ठीक नहीं है। ये भैंसा टॉयलेट गया तो डेढ़ घंटे, वहाँ क्या करता पूछिए? पापा प्लीज, सेक्स बुक्स पढ़ता है ना लायक। अरे सर, क्यों पापा मेरा कचरा कर रहे हो? लड़के लड़कियाँ मोटर बाइक पे बैठ के बीच होटल डिस्को थे घूमते हैं, खाते पीते हैं, फिर एक दूसरे से लिपट कर छुमा चाटी करते हैं, आखिर में तबाह और बर्बाद होकर घर लौटते हैं। दिस इज टू मच, हम लोग ऐसी लड़कियाँ नहीं है। मम्मी क्या है मम्मी, साथ में आइसक्रीम कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं। कीप क्वाइट। मुन्ना के बाबा, तुम्हें चेपट सांगल हम करेंगे, पहले ये अपने हरकतें तो बंद करें। आइए को तू काय बोलते है? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? अच्छी बुद्धि दीजिए सर। अच्छी बुद्धि की तो आपको जरूरत है सर, इन लड़कों को क्यों ब्लेम करते हैं? आसपास के लोग सिगरेट पिएंगे तो ये भी पिएंगे, लोगों को दारू पीते हुए देखेंगे तो इनकी भी पीने की इच्छा होगी, और किसी लड़की को गली में देखेंगे तो इस उम्र में प्यार होगा, प्यार होना ही चाहिए, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्या बैगन की बात कर रहे हैं मियां? है घर में ताला डाल के रखूं पोटों को? उससे क्या होगा, 24 घंटे टीवी पर क्या चलता है आप खुद ही देख लीजिए। ये लो FTV, ऊपर एक रिबन नीचे एक रूमाल, इसको ड्रेस कह के थोड़ा दिखा के थोड़ा छुपा के कैटवॉक करती है। और क्यों, डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट तो देख सकते हैं। वो भी दिखाता हूँ सर, ये लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, दो जिराफ हनीमून मना रहे हैं। ये छोड़िए, टीवी बंद करके मैगजीन देखते हैं। पंप सेट के एड में कैटरीना का क्या काम, अब्दुल कलाम की कवर स्टोरी पर राखी सावंत का क्या काम, किसी भी मैगजीन का कोई भी पन्ना खोलिए, एक एक्ट्रेस की अधरंगी फोटो दिखेगी। कहानियों के लिए बनाए गए फोटो देखिए, सभी में लो हिप लो नेक, सभी में सेक्स है। अब इसमें बच्चों का मन डगमगाए बिना कैसे रहेगा? सब देख के अनदेखा कर दें क्या? इस उम्र में सब सहज है, सामान्य है, ये कह रहा हूँ। हर एक को ठोकर खाकर सीखना पड़ता है, छोड़ दीजिए इन्हें, बेकार में मत सताइए। ये क्या तो भी बोल रहे जी? बकवास बंद कर मियां। अरे ये कौन है जी, खाली बोलते जा रहा, हम यहाँ बैठ के सुन रहे। ये जो रेणुका है ना, इसे मैंने प्यार करके शादी किया था, क्या हुआ, दोनों तरफ से भयंकर विरोध, बड़ों का सपोर्ट भी नहीं मिला, मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई, सर्वनाश हो गया। मेरी हालत और अधूरी पढ़ाई के लिए वेटर की नौकरी मिली, इसी बीच बच्चा हुआ, दूसरी कोई अच्छी नौकरी या कोई नया बिजनेस करके मुझे किसी भी तरह से आगे बढ़ना था, पर तब तक दूध के पाउडर और रोटी के लाले पड़ने के डर से पुरानी नौकरी से चिपक के बैठना पड़ा, सो आज तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। 20 तारीख के बाद उधारी, ये सब उस मनहूस प्यार का नतीजा है। इनका बोलना 100% सच है, मैं भी इनके जैसा हूँ, लेकिन इनके जैसे भूल नहीं की मैंने, पढ़ाई की उम्र में शादी और प्यार का लफड़ा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, प्यार त्याग दिया मैंने। आज मैं एक कस्टम ऑफिसर हूँ, आज सारे ऐशो आराम हमें हासिल है, अपनी बेटी की सारी मांगे पूरी करता हूँ, ये कैसे हो सका, मैंने इश्क को ताक पर रख दिया। अब बोलिए सर, मेरी तरह टेबल साफ करना है या इनकी तरह लाइफ में सेटल होना है? प्यार के लिए करियर खोया एक माँ बाप ने, करियर के लिए प्यार खोया एक माँ बाप ने, और मैं दोनों ही खोकर शराब पी रहा हूं। मुन्ना, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित है, सभी पेरेंट्स मुसीबतें झेल कर तुम्हें पढ़ाते हैं, कुछ दिनों के लिए प्यार व्यार भूल जाओ, सारी चीजों को पॉज पर रखकर पढ़ाई पर ध्यान दो। अब तो इन्होंने भी बोल दिया, समझ गए, अब कोई किसी से भी नहीं मिलेगा, कॉलेज 4 बजे छूटे, 4:30 बजे घर आना, वरना खाना नहीं मिलेगा, भूखा रखो सबको, लेट आए तो दरवाजा मत खोलो, बहस करे तो पॉकेट मनी बंद कर दो, फिर से छोटी दीवार पर बैठ के आने जाने वाली लड़कियों को लाइन मारा तो वही रहना, घर मत आना। तो कभी मेरा बेटा आप आज इतनी जल्दी आ गया? प्रोफेसर मर गया। ओहो। हाफ डे लीव। तुम जाके सो जाओ, मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या कृष्णा, लव लेटर है? टेक्स कहानी, मालगोवा आंटी। तो पढ़। खाना पकाते हुए मालगोवा आंटी के ब्लाउज में एक तीर चट्टा घुस गया। वो कृष्णा कह के चिल्ला उठी। हाँ?
ये तुम लोग अनाज खाते हो या गोबर खाते हो? निकलो यहाँ से। उस दिन इतना समझाया फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं है? तुम लोगों की वजह से ही बिगड़ रहा है। इधर इधर कमीने दिखा। मालगोवा आंटी सेक्स कहानी लिखता है, सेक्स कहानी लिखता है। छोड़ो, कैसा बेटा पैदा किया तुमने? मिट्टी का तेल लाओ, डाल के फूंक दूंगा, मार दूंगा दुष्ट को। हाउ जी, इसको गोश्त लाने को भेजे थे ना, अब तक कहाँ मर गया है ने? तुम्हें एक सेकंड भी ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा यार। तेरा मुर्दा निकलो रे कुत्ते के बच्चे, तेरे को गोश्त लाओ बोले तो ये चुड़ैल के साथ आशी क्या कर रहा? क्योंकि अक्ल ही है तेरे को, घर में पढ़ने को भेज रहे या बुलछाने उड़ाने को भेज रहे तेरे को? आंटी माइंड योर वर्ड्स, नहीं तो तुम दोनों के वास्ते फूलों का पलंग सजा के रखना पड़ेगा। माँ माँ चुप रहो, उसको क्यों डांट रही? चप्पल लेके मारती हूँ। ए सुन के तू, आइंदा अगर तू मेरे बेटे के साथ दिखेंगी तो पुलिस चौकी में बोल के टांगा तोड़ा दूंगी तेरे। जा बे खुसट। मैं खुसट? तेरी अम्मा खुसट। तू है रे फसाद, जाए हराम के पिल्ले, पहले तेरी खोपड़ी फोड़ना ने भाड़ खाओ। है रे का भाग रहा तू, इधर आ रे। अरे ओ हराम के, कौन से मनहूस में पैदा हुआ रे सुअर, जलील हमारा, एक बार हाँ को लग रे तू, तेरे को फिरा फिरा के मारती हूँ। क्यों बे तुला इकडे यायला मना केलं होतं ना? पढाई कर रहा था, काही चुकलं का? त्या घरात पढाई होत नाही का? काही भी भेटू तुम्हाला काय, इतने भी चूट नाही। मला माहित आहे तुला इथे काय यायचं असतं, दुसरे कुत्ते भी आते होंगे। कुठे, अभी तो एक ही कुत्ता आहे। क्या मुझे कुत्ता का? मला कुत्रा बोलास? मला कुत्रा बोलास? चल चल करे गाढव, दुबारा तुझे यहाँ देखा तो कौवे जैसा शूट कर दूंगा। ट्रायंगल एस, ए रुको, कॉलेज 4:30 बजे छूट गया, देर क्यों की? स्पेशल क्लास। तेरी स्पेशल क्लास नहीं थी, केबिस ने बताया मुझे। पापा 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 प्लीज प्लीज पापा 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 प्लीज डोंट इंसल्ट मी पापा। इंसल्ट? पापा पापा मेरा पर्सनल है पापा। तेरा पर्सनल भी होने लगा? पापा प्लीज पापा, पापा नहीं, पापा नहीं पापा प्लीज। छोड़ पड़े से। हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों है? अपने बाप के गंजे सर पे किला मारो या माँ की चोटी खींच कर बांधो, मैं नहीं जानती। कुछ भी करो पर मुझसे मिलो, सर से पांव। माँ बाप के सर पे किला मारोगे? पढ़ने वाले लड़के हो तुम लोग, लो इनका पेशाब पियो, तब कुछ बुद्धि आती है, देखूंगा। राशन लाने क्यों गया? अब पता चला, चावल से लेटर लिखना था ना। उठ पापा, उठा पापा, उठा पापा प्लीज पापा, एक एक दाना उठा, उठा पापा। एक एक करके उठाएंगे, यहां देख चावल उठा, उठा सब। मार मार के तेरे हाथ में तोड़ूंगा। तुम चुप रहो, तेरे बेटे ने क्या गुठलाया है देख। यहाँ किसने गंदगी कर रखी है? अरे वो अपनी गुड़िया ही होगी। जनाब सड़क पे चावल से लव लेटर लिख रहे थे। अरे बाप रे चावल चुन कर लाए हैं, एक हफ्ता खाना मत देना। क्यों रे तू फिर भूखा रहेगा तब इस मजरू को कल आएगी। नालायक, ये है प्यार की निशानी? नहीं पापा, पापा चल हट, हट। पापा पापा नहीं पापा पापा। उसे अमेरिका में ही पढ़ने दो, पढ़ाई होने के बाद वहीं शादी भी कर देंगे, तुम्हें मंजूर है ना? आंटी 6 डिवोर्स के बाद भी लड़की को अपना लेते हैं वहाँ, जस्ट हाथ पे लिखना इट डजंट मैटर टू मी। थैंक्स। कहाँ जा रही हो? बगल के रूम में माँ, इसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। यहाँ आकर इस पर साइन करो। क्या है? US वीजा एप्लीकेशन। अचानक किस लिए? अब तो वही पढ़ने वाली है, तुझे ले जाने हरीश आया है।
सेमेस्टर तो नवंबर में है ना पापा। इस सिग्नेचर से सेमेस्टर का क्या मतलब है? कहीं महारानी ने कोई और प्लान तो नहीं बनाया भागने भागने का? My God, what's happening? My God, earthquake! What? भागो, बाहर भागो! चलो, चलो! Let's go, run! जल्दी, सीढ़ियों से! छेड़कर स्केल पर छे कह रहे हैं। इसके मात्रा? वो क्या है? आधा फुट पे स्केल है। शुक्र है। My God, हमारे नुकसान हैं। हरिणी, तुम्हें देखे कितने दिन हो गए? 5 बरस। मुन्ना, हमें अभी कुछ करना ही होगा। तुमसे बिछड़ कर रहना नामुमकिन है। मेरा भी। मुझे परदेश भेजने की योजना बन रही है। ओ गॉड, कहाँ? अमेरिका, वीजा के लिए साइन करने को कहा। ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। थैंक गॉड। मुन्ना, कृष्णा, सीता, कैसा है आपका? जूजू, मुन्ना, तूने बात मिला? कैसा है रे? हमने क्या भूल किया रे? क्यों हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे? मेरा तो घर छोड़ के भागने का मन कर रहा है। मेरा भी। मुझे तो डर है वो हमें जुदा कर देंगे। Let's get out. Boys and girls, कल सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच जाना। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। काहे को? मुन्ना वेट धारणी। देखो शर्माने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अरे आज ये लड़की जैसी लग रही है। आइए यहाँ खड़े हो जाइए। आज भगवान का विवाह उत्सव है, एक बड़े सेठ करवा रहे हैं, अच्छा मुहूर्त है। माता पिता नहीं आए? मेरे माता पिता सब यही हैं पंडित जी। अच्छी बात। ये क्या है? हमें आशीर्वाद दीजिए सर। फ्यूचर में बड़े आदमी बनकर बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की। मैं जाऊं? क्या हुआ तुम्हें? मुझे डर लग रहा है। तू क्यों रो रहा है? हम दोनों का गुजारा कैसे होगा सोचकर मुझे डर लग रहा है सर। मुन्ना, सब लोग शादी में आते हैं, विश करके चले जाते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तू घबरा मत। Hey, come on, cheer up, cheer up, yeah. Come on, honey, cheer up. मंदिर सर, ट्रीट सर। ये यहाँ मंदिर में भगवान गला पकड़ लेंगे। सबके लिए वेजिटेरियन फूड, वो भी मैं स्पॉन्सर करूंगा। मिस्टर चंद्रकांत पाटिल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो मैं क्या करूं? बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। मुझे पता आप मैं आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दूं? गली के कुत्ते, अपनी बेटी को मैं 10 बार तो उसे क्यों मारूं? चुप कर रे साले, तुम चुप रहो। भाई सर, क्या है? तुम चुप रहो। ये कोई शादी की उम्र है? अभी मुझे भी नहीं होगी। शेव कर दिया। अरे चुप, मुंह बंद कर। पढ़ने की उम्र में क्यों जल्दबाजी में शादी की तुमने? हमें शादी के लिए मजबूर इन्होंने किया सर। हम प्यार करते हैं, इन्हें मालूम था अगर हमसे कह देते पहले पढ़ाई खत्म करो फिर हम खुद तुम्हारी शादी कर देंगे, तो ऐसा नहीं करते हम। घर से बाहर मत जाओ बोल दिया, एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया, मार डाला हमें सर। जुदा कर रहे थे इसलिए शादी कर ली। ये कोई शादी नहीं है। अबडक्शन या किडनैपिंग के केस में से 6 साल अंदर कर दीजिए। मेरी बेटी को घर भेजिए। देखिए 18 बरस के बाद ये लोग जो भी चाहे कर सकते हैं, पूरा हक है इनको और कोई इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये शादी कानूनन जायज है। Never, no way.
इसके फ्यूचर पति ये हैं। या अमेरिका में रहते हैं। इसे वहीं रहने के लिए बोलिए। शट अप, ये वहाँ पे एमएस करने वाली है। सब इंतजाम हो गया है। किससे पूछकर? पूछने की जरूरत नहीं है। वी आर योर पेरेंट्स, आई एम हर हस्बैंड। चप्पल से पिटेगा। मैं चुप रहो, ठोकर खाएगा तो अकल आएगी। ए, शादी इन्होंने की है, इन्हें जहन्नुम में जाने दो। तुम चलो। मुन्ना और हरिन को उनके घर ले जाने के लिए बोलिए, तभी हम आएंगे। ये उनके घर का मामला है, उनके बीच में मैं कैसे बोलूं? ये हमारे फ्रेंडशिप का मामला है। अभी हम लोग भी घर नहीं आएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। मुन्ना और हरिन के साथ रह के मदद करेंगे। बकवास, ये बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे। एक पैसा भी हाथ में नहीं, कभी पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। आजकल एक साधारण नोटबुक 60 रुपए की है, एक इकोनॉमिक्स की बुक 600 रुपए की है, एक सेमेस्टर की फीस 10,000 रुपए के ऊपर है। पढ़ाई इतनी महंगी है, कैसे पढ़ पाएंगे पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना? जवानी के जोश में इसने ऐसा किया है, उदार होके माफ करके नहीं अपनाइए। गुस्से में आकर आप सबकी लाइफ स्पॉइल मत करिए सर। पहले तो तुम्हें मारना चाहिए, इस फसाद की जड़ तुम हो। अगर कुछ और बोले तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। क्यों रे, अभी बाहर जाएगा तो कहाँ रहेगा, कैसे पढ़ेगा, खाएगा कहाँ पे तू? जो दुख हमने झेले वो तुम्हें बार बार बता चुके, ये नहीं चाहिए। ए, इसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रही है? ए, मैं दुखी दिल से बोलता हूँ, तू बर्बाद हो जाएगा, सड़कों पर भीख मांगेगा तू। क्यों ऐसा सोचते हैं प्यार करने वाले बर्बाद होंगे? आप कहते हैं इश्क के कारण जीवन बर्बाद हो गया, वो कहते हैं इश्क की कुर्बानी ही हमें आगे बढ़ाएगी। क्यों, इश्क में जीते तो जिंदगी में जीता नामुमकिन है? हम दोनों में जीत के दिखाएंगे। शाबाश मुन्ना, देर कहां पर दुरुस्त कहां। आओ सब चलते हैं। जा जा, अब जाके भीख मांग। सब कुछ अचानक हो गया। तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन लेडीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। दो लोग चाहें तो आ सकते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। नहीं सर, हम लोग एक साथ रहेंगे। मैं तुम लोगों को अपने घर पे रख लेती, पर प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी हरिनी। ए, पहले से एक चूहे के खानदान किराए पे दे रखा है शायद। कैसी है जगह, ठीक है ना? बहुत है, घुटने तक तो सो सकते। हम लोग मैनेज कर लेंगे। ज्यादा आवाज मत करना, सबके सोने के बाद आना और सुबह उठने से पहले चले जाना। ओके, थैंक यू, इट्स ओके। किसी एजेंट को पकड़ के दूसरी जगह ढूंढता हूँ और पार्ट टाइम जॉब का भी बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू सर। ये लो खर्च के लिए। एक 50 रुपए देना क्वार्टर के लिए। कल मिलेंगे, फोन करना। बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर, हैप्पी फर्स्ट नाइट। जाने यार। क्या है यार, कार में सीट है। तेजू, इधर आना। ए, कद्दू, क्या है? प्यास लगी है। ओहो, ये लो। छोड़ो। तेजू, ये आवाज कैसी है? चूहा था दादाजी। मुन्ना, हमारी शादी हो गई इसलिए ये हर बार करना आसान है, पर ये सब जरूरी है क्या? थोड़ा सोचो। गर्भ, प्रसव, जॉनसन्स बेबी पाउडर के लिए भड़कोगे या पढ़ के पास होके कमा के बस के उसके बाद ये सब करोगे? तो फिर नॉनवेज नहीं मिलेगा? ओनली वेजिटेरियन है। मुर्गी का अंडा भी नहीं? सिर्फ पत्ता गोभी अलाउड है। पागल से क्या है कोई पागल।
टैंक फुल कर दो। क्या ये सब करना जरूरी था? एमएस पढ़ना था तुझे, पेट्रोल पंप में ऐसे कपड़े पहनकर टूटी ऑयल भर रही हो? ल्यूब ऑयल। क्या किस्मत है तेरी, इतना जिद करना। अभी भी तू ये सब छोड़ के पीछे की सीट पे बैठ सकती है। मेरा नाम हरनी क्यों रखा है डैडी? वो इस मुझे मालूम है डैडी, आपके प्यार का नाम हरनी था। आप अभी भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। तभी लाइटर, कर्चिफ, की चेन, फोटो, उनकी जुल्फ की एक लट भी किताब में संभाल कर रखी है। कई बार आपको उन्हें देखते हुए खुद मैंने देखा है डैडी। सब कुछ पा लिया सोच के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं भी किसी और से शादी करके अपने बेटे का नाम मुन्ना रखना नहीं चाहती डैडी। मैडम पैसे ये लीजिए, बाकी के पैसे रख लो बेटी, मुझे सैलरी मिलती है। लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री। और भी कोई मर गया क्या? बाजू का गली में एक बुढ़ा आखिरी सांस ले रहा है, कल तक मर जाएंगे बता दूंगा। अपना पता तो दे दो। कृष्णा पोदार कॉलेज सेकंड बीबी है। थैंक यू सर। स्टूडेंट है, क्या जमाना गया, मौत में जीवन। अरे मैं डबल करके दिखाता हूँ तेरे को। तुझे क्या लाने को बोला था रे? बियर सर। वो मालूम है, अंदर चल। 5000 लाने को बोला तो चूतिया माफी खजूरा बियर ले आया, बोला तेरे मालिक को। क्या हुआ भाई साहब, मैं इस होटल में कितने बरसों से बियर पीता हूँ, 5000 के सिवा दूसरी को छुई मैंने कभी? पागल कहीं का क्या रे? इनको खजूरा लाके दिया? पता नहीं था। पता नहीं था, बेवकूफ कहीं का, काम करने आया। चल भाग ऐसे। माफ करना भाई साहब। ए सुंदर, जल्दी से बियर बदल के ला। देखिए भाई साहब, वो नया लड़का है, गलती हो गई, माफ करना। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं बेटा।
मुझे गलत मत समझना, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, डेली 500 रुपए का खाता है। ए, बच्चे के लिए बिरयानी लेके आ। मुझे आज तक मेरे पापा ने भी नहीं मारा, मार से ज्यादा बेइज्जती का दुख हुआ है मुझे। ले खा। दिल ना दुखा, चाहे तो मुझे मार ले। ऐसी बात नहीं, खाना खाके बाल ठीक करके ड्यूटी पे लग जा। वाओ वाओ, ये चुप। ए वॉचमैन जी, निमी भौंक रहे ना, उसे ले जा सुसु पार्टी के लिए। ठीक, क्या नसीब है, पौधों को पानी देना है, सब्जी भाजी लानी है, आयन कराना है, साफ सफाई करनी है, और ऊपर से ये कुत्ता भी। Stupid dog! Give in, man! सुसु पॉटी करता है कि नहीं? साले कुत्ते, तुझे कॉन्स्टिपेशन है क्या? गुस्सा दिलाता है? ठहर साले, ठहर। पूरे 10 दिन की साथ नहीं कर ली। अरे बेवकूफ, बेजुबान जानवर पे पटाखे लगाते हैं, आदमी है क्या तू? तुझे एसपीसीए से बोल के अरेस्ट करवाऊंगी, तेरी नौकरी खत्म, निकल जा। निमी। प्रकाश, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन कहाँ है? अपनी कमाई के पैसे से सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। एक प्लेट 15 रुपया, मेरा शेयर 90 रुपया हुआ। क्या रे, चटनी सांबर कुछ भी नहीं? अगरबत्ती की सेंट आ रही है। ए, ये मंदिर में जाके प्रसाद मांग के लाया यार। भीख मांगा क्या? अपुन की इंसल्ट मत करो यार। ए, उसे जो हो सका किया ना, कम से कम इतना कंट्रीब्यूट तो किया। वैसे भी हमको खाना खाना ही था ना, पैसे बच गए। सॉरी यार। लिसन बॉयज, हमारी कमाई डेली एक्सपेंसेस के लिए काफी है। पिज्जा डिलीवरी, पेट्रोल पंप, वाइन शॉप, पढ़ाई नहीं हो सकती, बुक्स, सेमेस्टर फीस, इनके लिए ये काफी नहीं है। हमें कुछ भी करके और पैसे कमाने होंगे। इडली डोसा की दुकान शुरू करें? सड़क पे स्टॉल, उधारी देनी होगी, गुंडों का झंझट, पुलिस को हफ्ता देना, क्या ये जरूरी है? चिट कंपनी खोले तो? मुन्ना, हाउ अबाउट ब्राउजिंग सेंटर, स्नोबॉलिंग? किशात नहीं आना है, मला बाजी रहा हूं। प्रैक्टिकल बात करें यार। हैंडमेड ग्रीटिंग्स, पॉपकॉर्न, बुके शॉप्स, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करे तो? ए, अचार बनाए तो? ये मिडिल क्लास मेंटालिटी कब छोड़ेगा? हरणी, एक आइडिया बताओ, इसका एक ही हल है, बाबा। बाबा कौन, तेरा फ्रेंड है? भगवान रे, मंदिर के मंडप में बैठा था तब देखा, पास में कैसेट की दुकान थी, वड़ा पाव के जैसे फटाफट बिक रहे थे कैसेट, आधे घंटे में 25 कैसेट, कैसा भी गालो, इस सीजन में सब लोग ले जाते। बगल में हम भी दुकान खोलेंगे क्या? नहीं, हम भी बाबा के कैसेट बनाएंगे। एक कैसेट 35 रुपए, अपना खर्चा निकल के 15 रुपए बचेंगे, 1000 कैसेट बिके तो 15,000 रुपए मिलेंगे। ए, तेरे में भी दिमाग है यार। इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। लेकिन गाने कौन लिखेगा? क्यों, ये है ना कवि और मुन्ना बाबा, रिणी गाएगी, मुन्ना भी गाएगा, हम लोग बीच में साई राम करेंगे। ए, जूजू, तू कीबोर्ड, कृष्णा, फॉर अ चेंज तू रियल ऑडियंस के लिए बजाना। बॉब, तू गिटार। कैसे यार, वो तो मैंने गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत सीखा था, कैसेट में बजाने के लिए काफी हुआ। हाँ, मैंने जो बकवास कैसेट सुने, हम उनसे अच्छा करेंगे, मुझे यकीन है। गाना जरूरी नहीं है, भक्ति जरूरी है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट? इसी के लिए तो है हमारे मंगल सर। बाइक ले लो, बाइक। इन्होंने बाबा कैसेट बनाने के लिए मुझे सड़क छाप बना दिया, फायदा हो जाए ठीक है। अरे अरे, रुको 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 रुको, एक धोती बांधे नाचो ना तुम लोग, तुमको भी सिनेमा ट्यून नहीं मिली? हटके सोचो यार, कुछ लेटेस्ट नहीं सोच सकते तुम लोग? हाँ, शिरडी
से देखो मेरे साई ने बुलाया है, पोछे के आंसू अखियों में क्यों छुपा रहे हो? दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को। उजड़ी से देखो मेरे साई ने बुलाया है, पोछे के आंसू अखियों में क्यों छुपाया है? जा मेरे साई के कदमों में रोले, तेरी झोली है खाली तो फूलों से भर देंगे, श्रद्धा हो दिल में सबूरी तेरे मन में तो पूरी करेंगे अधूरी तेरी हर कामना। बाबा को मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को, दिल में रख लो बाबा को, मेरे साई बाबा को। हे उठो, मैं कब से सोच रहा हूँ कि इस होटल रूम से रोज रोज इतनी आवाजें क्यों आती हैं? सबकी पिटाई करूंगा, निकलो बाहर, निकल। दोबारा इस तरफ आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ दादी, हो गई ना? हाँ हो गई। ये तुम्हारा कमीशन। सिर्फ घर नहीं, जो भी चाहिए अरेंज कर सकते। ये अरेंज करके दे सकते हो? बापरे, चप्पल टूट जाएगी। माफ करो बहन, इस उम्र में ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? ऊपर जाइए। हे भिड़ू, पीने के लिए बहुत मस्त जगह है यार। आप दोनों ने एग्जाम फीस नहीं भरा क्या? आप दोनों का नाम नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है। मर गया यार, 15 तारीख तक फीस नहीं भरी तो कोई भी एग्जाम में नहीं बैठ सकता, और सारे पैसे तो मकान के एडवांस के लिए खर्च हो गए। अब क्या करेंगे यार? फिक्र मत कर यार, 108 देवियां है, हर देवी पर एक कैसेट बनाएंगे तो हमारी पढ़ाई पूरी होगी। भाव। कौन मैं? तुम्हारे बाबा का कैसेट बहुत अच्छा था, बधाइयां। थैंक्स। आगे क्या? माताजी, अभी सीजन नहीं है। ओ गॉड, फिर फीस? हम एक जन जागृति नाटक करने वाले हैं, उसके लिए गाने लिखकर संगीत बना सकते हो? पैसे देंगे? 15 तारीख तक अगर फीस नहीं भरा तो एग्जाम का हॉल टिकट नहीं देंगे। किस साले ने बोला तुमको हॉल टिकट नहीं देंगे? कॉलेज तोड़ डालेंगे। इतना चाहिए? 50,000 दे देंगे। सचमुच? लेकिन बोल विद्रोही होने चाहिए। कैसे बोल चाहिए? जैसे गरीब अमीरों से सवाल करते हो, जैसे जनता मंत्रियों से सवाल करती हो जाएगा। थोड़ा मजबूत सवाल हो, तुम्हारे तानाशाही भेजो को गोलियों से पीट डालेंगे, कुछ ऐसा, तभी नाटक जोशीला होगा, धूम मचा देंगे। ये रहा पेशगी, गाना लिख के तैयार रखना, रात को तुम्हारे घर पे मिलेंगे। मेरा एड्रेस नंबर 18 पांड। जानता हूँ। अरे सरकार इतनी कमीनी है क्या? हमारा हक हमसे छीनी है क्या? नेता दलालों की खिचड़ी पकाई है, सरकार जनता को लूट लूट खाई है। कमाल है दोस्त, आग बरसती है। मुन्ना, ये लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है ना? नेताओं के सिर कलम होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। जस्ट वर्ड्स, दादा तो और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मांगते हैं। ये सुनो। नेता हमेशा हमको बांटेंगे, हम इनकी गर्दनें काटेंगे, होली सरकार की जब जले तब नई सरकार अपनी बने। अब हम न सहेंगे, हम इनकी गर्दन काटते रहेंगे।
पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बहुत मन कर रहा है, थोड़ा सा नॉनवेज। चाय तो फोर सीटी लेकर आता हूं। बहुत मन कर रहा है ना, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चार्ज के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। हमारी शादी हो चुकी है ना। ठीक है, आज से देखिए सबको सो जाने दो। मैं दुकान से होके आता हूं। हे प्रकाश, पुलिस आ गई। कौन जीवा? ये किसने किया? पुलिस स्टेशनों से चुराई गई बुलेट्स और राइफल्स कहाँ हैं? नोट बिछाते हो? ब्राउन शुगर का धंधा? नहीं सर। हेरोइन? कौन हो तुम? सुसाइड स्क्वाड? आरडीएक्स? तुम पीडब्ल्यूजी हो? माओइस्ट हो? नहीं सर। या वरलू मड़ावी के हो? सर अब सूरत का पटेल है सर। नेता साहब कलम करेंगे, ये गाना किसने लिखा? ये सरकार आग में जलेगी, ये किसने लिखा? मेरे साथ। अरेस्ट हिम। बाबा कैसे सुन के इसके लिए पैसे दिए तभी गाना बनाया? हमारा उनके साथ और कोई संबंध नहीं है सर। शट अप। हमारे प्रेगम सर को एक फोन करना है। लॉयर संबंध तो कंसल्ट करना है। नो लॉयर, नो एक्सप्लेनेशन। यू हैव बीन अरेस्टेड फॉर टेररिज्म। चलो चलो, ए सीधा चल। सो प्लीज, ए पीछे क्या देख रही है? आगे देख। पॉकेट मारो। फिर खाने किया? ड्रग्स का कैसे है? दिखने में कच्ची ककड़ी जैसे हो। क्या किया तुमने? गाना गाने के लिए अंदर किया? हाँ जी। चल, ए तू लाइन में आ। ए उठा। तुम्हारी याद ने मुझे जिंदा रखा है रिनी। तुमको देखे बिना तो मैं मरी गई थी। कृष्णा, ये मुन्ना सर, कहाँ थे आप? इतने दिनों तुम लोग कहाँ थे ये भी तो नहीं बता रहे थे ये जालिम लोग। मेन लीडर के पकड़े जाने के बाद पता चला कि तुम लोग निर्दोष हो और कोर्ट ने तुम्हें छोड़ दिया है, वो भी होम सेक्रेटरी से गिड़गिड़ाया तब। धन्यवाद बोलने की भी ताकत नहीं है। एक चाय पिला दीजिए सर। इतने सारे लेटर्स कैसे? ए सबको लेटर्स आए हैं। कॉलेज मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के अनुसार आतंकवादियों और उग्रवादियों से संपर्क रखने के गुनाह में देश विद्रोही गतिविधियों को उकसाने वाले गानों की कैसेट बनाने के लिए तुमको कॉलेज से बर्खास्त किया जाता है। खत्म, सब खत्म। ये डॉक्टर बनेगा, ये फैशन डिजाइनर, और वो एमबीए। हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या सपने देखे थे, सब खत्म हो गया। हमने बड़ी बात की थी, प्यार में जीतेंगे और लाइफ में भी जीतेंगे। अपने माँ बाप से ये दावा करके आए थे, सबकी लाइफ का सत्यानाश हो गया। ए, बस करो। अब ऐसा क्या हो गया जो रो रो के मातम कर रहे हो? और क्या करूँ सर, पढ़ाई के लिए सब सहा हमने, जो भी काम मिला किया, गाने बना, जेल भी गए। ए, पढ़ाई बंद हो गई तो सब खत्म हो गया, ऐसा कौन बोला रे? सिर्फ पढ़ाई ही करियर नहीं है, हर एक के अंदर जरूर कोई न कोई टैलेंट छुपा होता है। उसे खोज कर कड़ी मेहनत करें तो हमें पूरी दुनिया मानेगी, इतने बड़े आदमी बन सकते हैं हम। क्या टैलेंट है सर? तुम्हारे पास म्यूजिक है। फिर से जेल जाने को बोल रहे हो क्या? किसने कहा तुम वैसे कैसेट बनाओ, पॉप एल्बम बनाओ? जब सब लोग एक जैसे गाने बना रहे थे उस वक्त, तुमने उस बाबा कैसेट में अच्छा अरेंजमेंट करके
प्रकाशन यूज करके अच्छे गीत लिख के इंटरेस्टिंग गाने बनाए थे, इसीलिए वो इतनी बिकी थी। उस नेक्स्ट लाइट कैसेट से सरकार को हिलाकर रख दिया था तुमने। तुम्हारा यूथ और फ्रेशनेस ही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। तो कल ही एल्बम बना दे सर। कल ऑमलेट तो बन सकता है लेकिन एल्बम नहीं, उसके लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है। एक ही दिन में ज्ञानी नहीं बन सकते। कल सोनी से मिलेंगे हम। नए लोगों का पॉप एल्बम कोई खास बिकता नहीं है, और अगर बिक भी जाए तो 2 या 5 हजार से ज्यादा सेल नहीं होती है। टॉप सिंगर्स में दलेर मेहंदी, अलीशा चिनॉय, अदनान सामी, सुखविंदर सिंह का हो तो अच्छा बिकता है, इनके मार्केट बढ़िया है। सर ऐसा मत कहिए सर, अगर आप चाहें तो मार्केट बना सकते हैं सर। कैसे? किसी फिल्म में गाकर पॉपुलर हुए हैं या किसी फिल्म का हिट म्यूजिक कंपोज किया है? सर ये बाबा का कैसेट थोड़ा सुनिए ना। ये फुटपाथ के कैसेट किसी काम के नहीं है। टोनी इज एन इंटरनेशनल कंपनी। डू यू हैव टाइम? एक गाना सुना सकते हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है। सर प्लीज। नो सर प्लीज। सर आई एम सॉरी। सर प्लीज। इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज सर। प्लीज सर। प्लीज सर। प्लीज सर। वाह गुड गुड। वाह गुड गुड। प्लीज सर। प्लीज सर। नाम हमारा तो है बस नाम का। प्लीज प्लीज। दिल तो है प्यासा एक पहचान का। चांद को अपना तबला बना के रात की ताल पे हम गाए। बिजलियां गरजे उंगलियों से जब सांस ये बादल बन जाए। Please, 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 शर्म तो रियाए। प्लीज जो है काफी है। खेलो मत पढ़ना काफी है। समझदार हो तुम तो समझो, समझो इशारा बस काफी है। ऋतिक का पोस्टर वॉल में कैंसर, लंबे सेल फोन कॉल है कैंसर। कुछ भी मत मांगो तुम हमसे, एवरीथिंग एंड ऑल है कैंसर। लड़कों का लड़की से मिलना कैंसिल कर दो, फूल का खिलना।
से बोले काहे को मुंह तो खोले चुपचाप तू रोले ना सता तुम लोगों में बात है, तुम्हारी आवाज की जो फ्रेशनेस है मुझे बहुत पसंद आई, पर्टिकुलरली द गर्ल्स वॉइस। एक महीने का टाइम देता हूं, 10 सॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट बनाकर उनके ट्यून कंपोज करके ले आओ, अगर पसंद आए तो रिकॉर्डिंग करेंगे। इस एग्रीमेंट पे साइन करो, इनको 1,00,000 का एडवांस दे दो। Okay. किसके नाम से चेक बनाना है? वॉइस के नाम पे बनाइए। आप कौन? मैं हमारे बॉयज ग्रुप के मैनेजर। आपका नाम? यस, आई एम मंगल। सुंदरम, नाइस मीटिंग यू। हाय। ऑल द बेस्ट। यस। बेडो, अच्छा लग रहा है यार। कल हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, इसी तरह साथ में बैठ के दारू पियेंगे। ए, एक 5-bedroom फ्लैट लेके सबको एक साथ रहना चाहिए यार। हाँ, 5-bedroom की बात रहने दो, मैंने तुमको दिए थे 500 rupees, उसका हिसाब कहाँ है? ये वो बियर रहने पे पूरे हो गए। मुन्ना, एक बियर कितने का है? जस्ट 60 rupees। 5 बियर के 300 रुपए, अंडों के 30 रुपए, तो फिर बाकी के 170 रुपए कहाँ हैं? बियर ने मिक्स की, इसने बिस्लरी, इसका 170 रुपया। फ्रॉड हो रही तुम लोग। कृष्णा, चिकन लेने के बाद बाकी के 300 रुपए कहाँ हैं? ए, हिसाब मांग रही ना? बोल। हाँ। खर्च हो गया। कैसे खर्च हुआ? भूल गया। मैं बताता हूँ। मतलब फसो तो साहित्य का खर्चा 300 रुपया। व्हाट इज दिस कृष्णा, इतने चीप हो तो। तुम इतने में ही परेशान हो रही हो, इसने तो मालगवा आंटी की सेक्स की कहानियां भी लिखी है। शाम होनी चाहिए बाजारिणी, जनाब लिंकिंग रोड पे घूमते आंटियों को ढूंढ ढूंढ के तक्का मारते। ढूंढ ढूंढ के क्या रे, सारे के सारे शरीफों की तरह बात कर रहे हो क्या? तुम्हें धक्का मारना पसंद नहीं? हरनी, हम पांचों साथ में घूमते हैं, साथ में लाइन मारते हैं, साथ में धक्का मारते हैं, इतना ही नहीं, पांचों ने एक ही लड़की को लाकर साथ में निपटाया है। शरीफों की तरह बात कर रहे हो? पहले मैं, फिर ये, फिर वो गया था, वो भी इसके घर में। चुप यार। कौन रे बकरा हूँ? वो जाते वक्त तुमसे बोली बदले फ्री आओगी। बोल कृष्णा, मार खाएगा तू? सच बोला तो पीटेगा, 3 बार किया था तूने। मारेगा तो भी मैं बोलूंगा। कैसी कैसी आवाजें निकाली थी तूने? उठ चल, इसने ज्यादा जाते वक्त क्या बोली थी तुमसे? तुमसे शादी करने वाली खुश नसीब होगी बोली थी ना? अरे तू खुश नसीब है, रानी ने उसी दिन मुद्दा पीटे दिया था। कृष्णा ने जो कहा वो सच है? ओफो, वो पी के बक रहा है। किसी लड़की को बुलाया था, ये सच है या नहीं? जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है हरणी। ए, बुलाया था, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये पहले मुझसे क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताता? You didn't have sex with her? कसम से नहीं। कृष्णा ने 3 बार कहा? कुछ नहीं हुआ कहता तो बेइज्जती हो जाती, इसीलिए झूठ बोला। Don't lie. उसने जाते वक्त क्या बोला था तुमसे? तुमसे शादी करने वाली बहुत खुश नसीब होगी बोला। You cheat. तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे मेमने की तरह घूमती रही। हरनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जहाँ बुलाया मैं आई, कटीली जमीन पर सोई, जो मिला वो खाई, जेल में भी गई। इतने बड़े गुनाह को कैसे छुपा पाए तुम? जा बे, तुम भी औरों जैसी ही हो। There's nothing special in it. हरनी,
तुम पूरा कचरा हो, गली के कुत्ते हो, सुअर हो। हनी बच जाओ, प्लीज। हनी, हनी मेरा यकीन करो, हनी प्लीज बच जाओ। हनी मैंने कुछ गलत नहीं किया, हनी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हनी, हनी बच जाओ, हनी, हनी बच जाओ प्लीज। हनी प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हनी, हनी, हनी बच जाओ, हनी, हनी प्लीज, हनी, हनी, हनी। हरनी, हरनी, हरनी बचाओ, हरनी, हरनी प्लीज बचाओ, हरनी बचाओ, हरनी, हरनी प्लीज बचाओ। किस मुंह से तो अब यहाँ पे आई है? मामा प्लीज बिलीव मी, अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी माँ, अब जो कहेंगे सुनूंगी, मुझे अपना लो माँ प्लीज। ऐसे मैं गई थी वैसे ही आई हूँ। ये किस लिए? इसे बाहर फेंक क्या? सॉरी मुन्ना, छी, मैं इंसान नहीं हूं। मुझे डांटो, गाली दो, धक्का दे दो मुझे। चुप रहे। हमारी भी भूल है, हमें तुझे भड़काना नहीं चाहिए था। हमें पीना ही नहीं चाहिए था, हमें रानी को नहीं बुलाना चाहिए था। कौन सी रानी? भूरी आंखें, हाथ में एक बच्चा था, आप भी मेरे घर आए थे। ओ, वो मामलेदार वाड़ी वाला घर। हाँ। उसका तो असली नाम भी भूल गया हूं मैं। हाँ साहब, नेपाल से एक नया आइटम आया है, उससे भी खूबसूरत, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे हम उसके लिए नहीं आए हैं, उस दिन तुम रानी को लेकर आए थे तो इसकी भाई को पता चल गया, वो गुस्सा होकर चली गई, लेकिन इन लोगों ने कोई गलती नहीं की। अगर रानी आके पूरा सच बता दे दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ओहो हो, दो महीने के ऊपर तो हम किसी को भी नहीं रखते साहब, फौरन अदली बदली करते हैं। क्या पता किसके पास होगी, कहां होगी, कलकत्ता में, दिल्ली में, दुबई में, या फिर राजनीति में चली गई होगी। यस, हमें हरनी से मिलना है। अमेरिका से वक्त पे पहुंच गए यार। हरीश, हु इज इट? बॉयज। ये टीवी में जैसा आता है वैसा ही है ना? आंटी, हुआ ये कि मैं उसकी लाइफ बर्बाद की बहुत है। तुम्हारे मंगलसूत्र को उसने खुद निकाल के फेंक दिया, वो कहीं पड़ा होगा, उठा लो। अब उसकी लाइफ में दखल ना दो। ये कोई मजाक है क्या? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और यू इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस वॉइस की खातिर। उस लड़की की वॉइस में एक लिल्ट है, एक सिल्क है। इन बॉयज की वॉइस और उस लड़की की वॉइस मिलने से ही मैजिक क्रिएट होता है। अगर वो लड़की गाती है तो ठीक है, नहीं तो दिया हुआ पैसा वापस कर दो, नोटिस भेज देंगे। सो जेनी, नेक्स्ट विजिटर। सो प्लीज। हेलो आंटी, मैं संपदा बोल रही हूँ, हरनी से जरा बात कर सकती हूँ? उन कुत्तों ने तुझको फोन करने को कहा? आज के बाद घर पे कभी फोन मत करना समझी, तुम्हारी फ्रेंडशिप की उसको कोई जरूरत नहीं। Thank you.
हमारा प्रकाश किधर है? तेरी माँ की कैसी गाड़ी चला रहा है तू? कैसी गाड़ी चला रहा है तू? मालिक मार इसको। हमारे प्रकाश पे गाड़ी चला तू? दूर करा। हाथ छोड़। ड्राइवर पे क्यों भड़कते हो? साला फुटबोर्ड से नीचे गिर के जख्मी हुआ तो हमारा क्या कसूर? बहुत चर्बी थी, बस में बैठी लड़की में लाइन मारने के लिए फुटबोर्ड पे लटक रहा था वो। रानी रानी चिल्ला के उसकी सीट की तरफ बढ़ा, स्लिप हुआ, पैर टायर में फंस गया। रानी? ए आए ड्राइवर और कंडक्टर को मारने वाले, भागो यहाँ से। प्रकाश, 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 कुछ भी करो, सुई लगाओ, दवाई दो, कुछ भी करो। प्रकाश, एक बार आके गोलियां बहुत मारूंगा। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश काय झालं रे तुला? अरे एवढं रक्कम, अरे काय झालं, काय झालं गेलणार? क्या कहा रे, क्या कहा बताओ? अंकल प्रकाश हमको छोड़ के चला गया। माझ्या पोराला घेऊन गेलात, ते बाहेरून टाकलं। प्रकाश, प्रकाश किस लिए हमारा जानती हो? उसने उस प्रोस्टिट्यूट को बस में देखा, वो कैसे भी तुम्हारे पास लाके सच बुलवा दे तो शायद तुम अपना फैसला बदल दो। वो लड़का जख्मी होकर मर गया, देख लिया ना, अब चलो। हमसे भूल हो गई, बड़ों की बात मान लेनी थी। घर छोड़ के अपनी मर्जी से शादी करके क्या पाया? हरनी भी छोड़ के चली गई, अब प्रकाश को भी खो दिया हमने। अब जिंदा क्यों रहूं? तुम्हें साथ लेकर तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दी। मैं बिल्कुल यूजलेस हूं। तुम लोग घर जाओ, तुम लोगों को नहीं खोना चाहता मैं। बस खलास, खेल खत्म, फुल स्टॉप लग गया। बॉयज द ग्रेटेस्ट लूजर्स। मुन्ना, पागलों जैसी बातें करने की बजाय हमको पॉइजन लाके दे दो, चारों लोग मर जाएंगे। तीन लोग यार। ए, हनी, भारा, तू भारा, हे, भारा तू, आती है नहीं? What's happening? Hey, what is this? Hey, बाहर निकल! अरे तुम हाँ, अरे चलो यहाँ से, चलो निकल बाहर, चलो। अरे मैं बिल्डिंग में पत्थर नहीं मारूंगा। हाँ, बिल्डिंग में पत्थर मारो। हाँ, हमारी खातिर हमारे फ्रेंड्स घर छोड़ के आए थे ना? हमें खुश रखने के लिए हमारे साथ कष्ट आए ना? हमें मिलाने के लिए प्रकाश बड़ा मालूम है? हम दोबारा मिलते हैं नहीं, वो जरूरी नहीं। कम से कम फ्रेंड्स को जीता होगा, लव में जीता होगा, करियर में जीता होगा। ये एल्बम कंप्लीट होने में ही उनका फ्यूचर निर्भर है। उनके ऊपर जो एहसान है हमें उनका बदला चुकाना है। इन सब की खातिर एक बार आके गाना गा के जाओ। ओके, हरिणी आखिरी बार ये एल्बम तुम्हारे साथ गाएगी। On one condition, मुन्ना को एक दस्तखत करने होंगे। Divorce by mutual consent. What? परस्पर सहमति से विवाह लग। Into mark वाली जगह पर साइन कर दो। वो आएगी। जरूरी नहीं है, चलो यहाँ से। इसे छोड़ के दूसरी नहीं मिलेगी क्या? तीजन भाई से कबाएंगे, चलो यहाँ से। सर, सर, मेरी पर्सनल लाइफ से ज्यादा मुझे अपने फ्रेंड्स का फ्यूचर जरूरी है। मुन्ना, नो, ऐसा फ्यूचर हम लोगों को नहीं चाहिए। ए, कोई तो अच्छी चीज होने दे यार।
and we're doing fine, positively sublime. And before we get to the actual show, ladies and gentlemen, the latest sensation, Boys from Chennai. And here they are to sing The Secret of Success. Best album of the year, Secret of Success. Yes, the boys. Congratulations. Best
male singer goes to Muna. Congratulations, boy. Yes. Best female singer, Harini. Congrats. Good shit. हमें आज ये 9 अवार्ड्स मिलने का कारण है हमारा फ्रेंड प्रकाश, लेकिन इस खुशी को बांटने के लिए आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस बॉयज ग्रुप के बनने का कारण ही वो है। उसके दिए हुए साईं बाबा कैसेट के आइडिया से ही आज ही पॉप एल्बम बन सका। अगर वो ना होता हम यहाँ ना होते। ए प्रकाश, तू हमारी सांसों में है, म्यूजिक में है यार। यू विल लिव फॉरएवर। ये म्यूजिक जब तक रहेगा तू मरेगा नहीं यार। यू विल लिव इन हार्ट्स। आज से प्रकाश के परिवार के लिए हम लोग हैं। हमारी लाइफ में एक खास इंसान है, उन्हीं ने हमारी अंदर की कला खोज कर हमको हम ही से पहचान करवाई। वो और कोई नहीं, हमारे मैनेजर मंगल सर। हम उन्हें थैंक्स बोलने वाले नहीं, क्योंकि थैंक्स बोलकर हम उन्हें गैर नहीं बनाना चाहते। इज अवर गॉड फादर। वी लव यू मंगल सर, वी लव यू फॉर एवर। आधी अधूरी तुकबंदी किया करता था मैं। मुझे अच्छी कविता लिखना सिखाया प्यार ने। किसी भी कवि की पहली ऑडियंस उसकी प्रेमिका है। उसे इंप्रेस करने में ही क्रिएटिविटी पैदा होती है। इस नाचीज को कवि बनाया है हरनी ने। आज मुझे उसे धन्यवाद देना ही होगा। बिकॉज टुडे शी इज माई वाइफ, टुमारो एक्स वाइफ, कल हमारा डिवोर्स। शादी कब है? कल। इंडिया में फैमिली कोर्ट का मुख्य काम जुदा करना नहीं मिलाना है। ये कानून का दिया हुआ आखिरी मौका है। आप इस तलाक से सहमत हैं? एक प्रोस्टिट्यूट को लाना भूल है, लेकिन कोई गलती नहीं की। इसे मैं किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं करूंगा। भूल भूल है। उसके लिए अपनी पत्नी से जुदा होने की इतनी बड़ी सजा जायज है तो मैं दुखी होकर स्वीकार करता हूं। तुम क्या बोलती हो? ये शादी नहीं मजाक था। इसकी सीरियसनेस को समझे बिना इन्होंने गलती की। ये अलग हो जाए हम यही चाहते हैं। इससे शादी करने के लिए अमेरिका से हरीश आया है। मेरी बेटी के भविष्य के लिए यही सही। कौन बोला? जेनी शायद केंद्र से कॉल है, तुम अटेंड करो। बाद में बात करता हूँ, दूसरा कॉल है। हेलो हेलो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है? सुइस मैडम। क्या क्या डेट मिस हो रही? फॉरन डॉक्टर से मिलो। ओ प्रोग्राम जस्ट क्या, डोंट वरी मैं देख लूंगा। इस लड़की को और 6 महीने का टाइम देके देखते हैं। सर नमस्कार। अरे क्यों रबर के मापिक खींच रहे जस साहब? अरे दोनों ने साइन तो कर दिए ना, अलग कर दीजिए। 1008 कमिटमेंट्स हैं, ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। ये देखिए, पूरी दुनिया से सभी कंट्री से ढेरों लड़कियों के फोटोज ईमेल में जमा हो रहे हैं। फौरन अलग कीजिए सर। मैं रिसर्च के बाद फैसला दूंगा। देखो ढेरों फोटोज आए हुए हैं, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंगापुरी, मलेशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरे पाकिस्तान से भी आया है दोस्त। एक एक लड़की खुशी का पिटारा है, फटाफट कोई भी एक सिलेक्ट कर लो भाई। हर एक में मैं की होड़ लगी है। ये देखो साइड से करीना कपूर जैसी लगती है बिल्कुल। हाँ ये लड़की सुपर्ब है। हाँ छोटी है। हाँ सेक्सी भी है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, इसे फाइनल कर दो। मैंने सोचा तूने बोल दिया, सुपर सिलेक्शन है तेरा, जोड़ी खूब जमेगी। मेड फॉर ईच अदर। फौरन कुंडली एसएमएस करने के लिए बोलता हूँ। कुछ जलने की बू नहीं आ रही है, कलेजा जल रहा है या कारपेट जल रही है? Hey!
ये मेरे और मेरे हस्बैंड का मामला है, तुम बीच में मत आना, तुम अपना हुक्म अपने पति पर चलाना। क्यों रे, इतनी हिम्मत नहीं तेरी? हनी कूल, कंट्रोल योरसेल्फ। हनी, एक मिनट मेरी बात सुनो। हनी, हनी, प्लीज हनी रिलैक्स हो। भाग रहा है। हनी, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट सर, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों कीचड़ साफ कर रहे हैं। दिस हलचल कीचड़। जब साफ आ रहे हैं, बिछड़िए बिछड़िए। यहाँ भी हाथापाई कर रहे हैं, ठीक तो जुदा करना ही ठीक हो। सर 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं सर, ये वो वाला झगड़ा है योर ऑनर। ये बाल क्यों नोच रहे हैं? हाँ जी, प्यार से नोचना है। तो एक हो गए। हाँ जी सर। कैसे हुआ? ये पोजीशननेस है, इसके जानू ने गैर औरत को छुआ तो सुनते ही वो छू से छोड़कर चली गई। अब फिर से कोई और आने वाली है, ये सुन के उससे चिपक गई। आखिरी समय में अब कैसे भी दोनों को मिलाने के विचार से मैंने ईर्ष्या को भड़काया और वो करेक्ट वर्कआउट हो गया। फिर वो फोटोज क्या? वो सब हरनी की जगह गाने वालियों की एप्लीकेशन थी, इसे लगा शादी के लिए आई हुई है इसलिए दुर्गा बन गई। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? चुम्मा चुम्मा कहते हैं ना सर, वो यही है सर। क्यों नहीं लगे ये दुनिया हमें,